हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री, वेलकम टू माय चैनल। तो हम कर रहे थे चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग। आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। व्हेन मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे परफॉर्म ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इन द एंटरप्राइज, एट दैट टाइम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो ऑटोमेटिकली ही क्रिएट हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो है दैट बेसिकली डिफाइंस द जॉब पोजिशंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, द अथॉरिटी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉयज, दोज हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं दैट केस एज नेटवर्क ऑफ जॉब पोजिशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज एट डिफरेंट लेवल्स। यानी कि जो हमारे डिफरेंट लेवल्स हैं उनमें उन तीनों लेवल्स पे हमने जो जो जॉब पोजिशंस क्रिएट कर रखी हैं, जो अथॉरिटीज असाइन कर रखी हैं एंड वॉट एवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एम्प्लॉयज आर अज्यूमिंग, इनका जो नेटवर्क है दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है दैट इज नथिंग बट द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजीरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म। यानी कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है एक ऑर्गेनाइजेशन का विच प्रोवाइड्स शेप एंड स्ट्रेंथ टू द ऑर्गेनाइजेशन, एंड विद इन दिस बेसिक स्ट्रक्चर वी परफॉर्म मैनेजीरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क। यानी कि जो भी हमने एम्प्लॉयज़ को टास्क डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, डिवीजन ऑफ वर्क कर रखी है इन द फॉर्म ऑफ जॉब्स, एंड दैट जॉब्स आर बीइंग परफॉर्म बाय डिफरेंट एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड लेटर ऑन वी हैव क्रिएटेड अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप दैट इज हु इज़ टू रिपोर्ट टू हूम। तो ये जो भी हम एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द प्री डिसाइडेड गोल दैट वी आर परफॉर्मिंग विद इन दिस फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट इज द नीड फॉर एन एडिक्वेट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, क्या जरूरत है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को क्रिएट करें या इट इज़ क्रिएटेड। द रीज़न इज जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन का साइज इंक्रीज होता है या वो कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ने लगती है, एट दैट टाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं बिकॉज दे ऐड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन देयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उनके फंक्शंस इंक्रीज हो जाते हैं। तो एट दैट टाइम इट्स बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ देयर एंटरप्राइज। तो इसीलिए ज़रूरी है कि एक एडिक्वेट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए हर एक एंटरप्राइज का। अब जब एक एडिक्वेट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का होगा तो उसके हमें काफ़ी बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट है कि इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज। यानी कि जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म कर रहे हैं या जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एक्सेट्रा, इन रिसोर्सेज के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है विच इज़ बीइंग स्पेसिफाइड विद द हेल्प ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है ये कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है अमंग ह्यूमन, फिजिकल एंड फिनेंशियल रिसोर्सेज। ये एक एंटरप्राइज को हेल्प करता है कि वो डिज़ायर्ड गोल्स को अटेन कर पाए। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो ज़रूरी है एक एंटरप्राइज में बिकॉज इट इंश्योर्स कि ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज़ गोइंग ऑन, बेटर कंट्रोल इज़ देयर ओवर द ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज, और ये हमें प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज को भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। नाउ हाउ इज़ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म शोन, हम इस स्ट्रक्चर को कैसे दिखा सकते हैं? वी कैन रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। यानी कि हम एक चार्ट की फॉर्म में इस स्ट्रक्चर को शो कर सकते हैं। देन वी हैव स्पैन ऑफ मैनेजमेंट और सुपरविजन। अब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय अ सुपीरियर। यानी कि एक जो बॉस है वो कितने सबऑर्डिनेट्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट और सुपरविजन। बेसिकली स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो है ये डिटरमाइन करता है द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक शेप प्रोवाइड करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को। देर आर टू टाइप्स ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट इज नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो एक ऑर्गेनाइजेशन को टॉल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एंड नेक्स्ट इज वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो एक ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट और फ्लैट स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लोचार्ट। नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में एक मैनेजर के अंडर थ्री एम्प्लॉयज आर वर्किंग, एंड ईच ऑफ दीज थ्री एम्प्लॉयज आर हैविंग टू मोर एम्प्लॉयज वर्किंग अंडर देम, सो दिस इज कॉल्ड नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट।
ये जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को टॉल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है. नाउ इन दिस केस द स्पैन ऑफ कंट्रोल इज एटलीस्ट टू बिकॉज एवरी एम्प्लॉय इज मैनेजिंग एटलीस्ट टू एम्प्लॉयज अंडर देम. नेक्स्ट वी हैव वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में एक मैनेजर जो है उसके अंडर फाइव एम्प्लॉयज आर वर्किंग एंड ऑल दीज फाइव एम्प्लॉयज आर लुकिंग आफ्टर फोर एम्प्लॉयज ईच हु आर वर्किंग अंडर देम. तो यहाँ पे जो है स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है दैट इज एटलीस्ट थ्री, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय कम से कम चार एम्प्लॉयज के वर्क को लुक आफ्टर कर रहा है. तो दिस इज कॉल्ड वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. ये एक ऑर्गेनाइजेशन को फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है. सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. We have two types of organizational structure. First is functional structure. Second one is divisional structure. जो functional structure है, this structure is formed on the basis of functions being performed within the organization. यानी कि जब हम total work में को identify करने के बाद similar activities का group बनाते हैं, तो that group is being made on the basis of functions being performed within the organization. उसे हम कहते हैं functional structure. इसमें एक जैसे managing director है, managing director के under we have production department, marketing department, finance department, purchase department. And these departments have been made on the basis of different functions that are being performed within the organization. Next we have divisional structure. अब divisional structure में we have basically the structure is formed on the basis of products being produced within the organization. जब एक organization जो है वो textiles में भी deal कर रही है, cosmetics में भी deal कर रही है, medicines से भी कर रही है and soap से भी कर रही है, तो basically there are four products that organization is dealing with. तो इस organization में चार divisions हैं, that is textile division, cosmetic division, medicine division and soap division. So basically we are dividing the whole organizational work on the basis of these four products that it is producing. So ek jo structure create hoga is organization mein, that is basically formed on the basis of the products that they are producing. So yahan pe board of directors ke under we have managing director and this managing director is having four divisions or four departments under him, and these four departments are textile department, cosmetic department, medicine and then soap. तो ये चार हमारी different divisions हैं, चार different departments हैं, and these different product divisions are performing different functions under them. यानी कि जो cosmetic department है ये production function भी perform कर रहा है, purchasing function भी perform कर रहा है, financing, human resource. तो basically all these department are individually performing different functions in their particular department to attain their own objective of the organization. This is called divisional structure. Divisional structure में हमने formation की है organization के structure की on the basis of product, और functional structure में जो हमारी organizational structure form हुआ है that is basically on the basis of functions being performed within the organization. That's all for today. Thank you.